जस्य श्री परमेश्वरस्य कृपयाहं मूकोपि वाचालतं पंगु पर्वत लंघने किल महां सामर्थ्यमेति क्षणात् जन्मान्धोप्यरबिंद सदृश दृशु द्वंद्वं किमन्यत परं वंदे चक्रधरं प्रसन्न वदनं भक्तस्य चिंतामणि। पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर नीलाचल धाम भगवान चतुर्धाम मूर्तिंकर अभय चरणारविंदर अनंत कोटि प्रणाम ज्ञापन करुछि। जय जगन्नाथ टीवी दर्शक बंधु, आपण माने प्रातः काल रु प्रभुंकर महान पवित्र श्री पतित पावन नारायणंकर दर्शन करुछंती। समस्तंकु गभीरतम प्रदेशरु श्रद्धा सम्मान प्रणाम पूर्वक प्रातः काल महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर श्रीक्षेत्ररे बार मासरे तेर जात सहित अनेक उपजात भगवानंकर पालन करा जाय थाय। सर्वबृहत यात्रा श्री नीलाचल धाम रे चंदन यात्रा एवं भी मध्य अनुष्ठित होची। महाप्रभु कालिया सांतंकर जिते सबू रीति नीति भल मंद प्रत्येक तिथि बार नक्षत्र अनुसार अनेक प्रकार नीति मध्य महाप्रभुंकर अनुष्ठित होताए। आज मध्य से भाव प्रभुंकर एकादशी, जेहेतु मोहिनी एकादशी अच्छी, मोहिनी एकादशी एकादशी व्रत जो माने करती अनेक जन्मर पाप खंडन हुए। यार मुख्य उद्देश्य होती पाप मोचन पाई एकादशी, तेणु विभिन्न एकादशी सब नामकरण करा जाइछि। पुराण पृष्ठा को आधार करी ये जो एकादशी रही चबीश एकादशी अधिमास पड़िले पुरुषोत्तम एकादशी हुए। एभली भाव रे पुरुषोत्तम मास बोली पुरुषोत्तम एकादशी। सर्व जगत श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर इच्छार चली। बेले बेले रे मनुष्य अनेक ज्ञान रे किछि ज्ञान थाई भी पाप किछि संग्रह करे। हाँ आउ किछि पाप मध्य ज्ञान नथिबा समय रे संग्रह हो जाए। तेणु जातस्य हि मृत्यु ध्रुवः ध्रुवम जन्म मृतस्य च। दर्शक बंधु आम निश्चित भाव जन्म जड़े हो माने से निश्चय धराधाम रु मर। तेणु कहुए मर्त्य मंडल देह बही देवता होइले मरई, या ना हूँ मर्त्य। मर्त्य लोक पाद जी दब तार मृत्यु निश्चित भाव हम ये संदेह ना। राम कृष्ण बलराम इत्यादि देवता माने भगवान मध्य आविर्भाव होती, किंतु तांकु मध्य देह छाड़ा पड़ी जेहेतु ये होती मर्त्य लोक। मर्त्य लोक पाद स्पर्श मात्रेन मृत्यु दोषम अवश्यम भावी, मृत्यु निश्चित भाव रे आसीबो।
किंतु मृत्यु तो निश्चित समस्त अच्छी ता जन्म जन्मांतर प्रारब्ध क्रियमाण संचित एभली भाव तीन प्रकार रे पूर्वार्जित कर्म गुड़िक रही जाए था। जने व्यक्ति आप देखिए सी किसी करनी हठात जन्म होगा कितु ऐश्वर्य रही डजा हो गला विभिन्न प्रकार तार ऐश्वर्य भोग कला से ए जन्मर नुह पूर्व जन्म रे संचित जो धर्म थिला तार प्रभाव रे सी जो धर्मर अंशटी धर्मटा सदा बेले तार गोटे फल मिल फलटी वर्तमान फलुच वर्तमान आम जहाँ भी करूचे ता भीतर भोगा भोग निश्चित भाव प्रायतः 45 भाग पर्यंत भोगा भोग होता है कहार 30 भाग भोग हुए कहार 20 भाग भोग हुए कहार 40 भाग भोग हुए कहार 45 भाग पर्यंत भोग होता है सेथिपाई कह जाए आमर धर्मशास्त्र संकेत करिचंती त्रिभीर वर्षई त्रिभीर मासई त्रिभीर दिनई त्रिभीर पक्षई तीन वर्ष तीन मास तीन पक्ष तीन दिन ये गोटे तीन संख्या को गुरुत्व देखते धर्मशास्त्र यदि अति उत्कट पाप है तेज तार पराभवटा निश्चय भोग करने को पड़ो ताकि अटकई पारे ना कारण केते गुड़िए जिनस भगवान ताकू अटकांती ना कारण सीटी उत्कट हो जाए उत्कट हो गले भगवान शरणापन्न हेले भी भोग करने को पड़ो जोटा उत्कट न हो जमती अत्यधिक पुण्य हेले जो माने 24 एकादशी व्रत करती आज जेहेतु एकादशी मोहिनी एकादशी अनेक जन्मर पापताप सब विनाश होगापाई ये एकादशी व्रत करा जाए। पूर्व काल रे जने व्यक्ति अनेक पाप करिछि से तार ज्ञान अच्छी कि नहीं से कथा छाड़ दियो कारण पूर्व जन्मर कथा को आमे वर्तमान जानी परिबा नहीं सेथिपाई आमे पूर्व जन्मर कौन है तापरे आउ अधिका किसी चिंता नक आम को बर्तमान टिके हूँ संशोधन करने को पड़ो तार कारण है कि समय पूर्वर गोटे कथा कहली का 20 भाग पूर्व जन्मर पापर फल भोग करने को पड़ी पुण्यर फल भी भोग करने को पड़ी का 30 भाग भोग करने को पड़ी किंतु 20 भाग रु अधिक भोग करने को पड़ो निश्चय से आउ गोलमा ना कारण 20 भागटा भगवान को पाखे रही निश्चय से देवे तेणु 20 भाग भोग करने को हम किए 30 करे 40 भोग करे किए 45 भाग पर्यंत मनुष्य मर्त्य लोक पूर्वार्जित कर्मर फल को भोग करे ता भितरे जेतु आमे पूर्व जन्मर कथा जानी पारु न थाए जो माने भौचंती पूर्व जन्मर कथा किसी जानी भी पारंती एभली भावरे मध्य आमर भारत वर्ष रे सब प्रकार विद्या अच्छी से विद्या गुड़िक स्वतंत्र एथिपाई स्वतंत्र विद्या हूँ गुरुंकर मुखर ग्रहण करे ता सिद्धि हुए मन को मन बहिपत्र पढ़ले ज्ञान बढ़ीज से किसी असुविधा नहीं आम पुस्तक विभिन्न पुस्तक सब अध्ययन करवा भितर अनेक जिनस जाणी तद्वारा ज्ञान वर्धित हम ज्ञान बढ़े किंतु भारतीय संस्कृति आर्यावर्तर सनातन धर्मर निर्झास गोटे गुरु परंपरा देकर आसी
गुरु परंपरा आम माँ को गुरु बोली कहचे बापा को गुरु बोली कहचे गुरुजन मान गुरु तुल्य सम्मान करुचे शिक्षक मान को जो स्थान विद्यालय गुरु बोली कहचे गुरुजी कहचे अनेक गुरुजी आम जीवन काल मध्य आसी किंतु जने आम जीवन मार्गदर्शक गुरुजी रहिबा दरकार तबे कौन हबो मार्गदर्शनटा सदा सर्वदा परिष्कार हो वास्तव ज्ञान रे ए एकादशी व्रत मध्य सही गुरु शिष्य परंपरा देकर आसी कारण प्रत्येक एकादशी कथा को भगवान श्रीकृष्ण कृष्णम वंदे जगत गुरु युधिष्ठिर पचारिंट भगवान कृष्ण कहते जे एकादशी कले कौन हम युधिष्ठिर कहारे कहते एकादशी रे नारायण सानिध्य लाभ प्रथम करवा दरकार अर्थात तो, एकादशी रे मुख्य देवता होती हरि तेणु अन्य नाटी है हरिवासर हरिवासर एकादशी रे जो माने भगवान ना को स्मरण करती भगवान मंत्र किसी जप करती किसी सामर्थ्य अनुसार दान करती सब द्वारा व्रत व्रत करिवारो जदि च धर्मशास्त्र स्वतंत्र विधि विधान रही तथापि आपण माने देखिबे दर्शक बंधु सांप्रतिक अवस्था आमर सांप्रतिक अवस्था को लेकर आमको चलवाक पड़ो प्रथम जड़े लोकर मन कर तार प्रत्येक दिन गैस होने डायबिटीज अच्छी कहार अनेक प्रकार आजिकल सब हूँ खाद्य पदार्थ रु सृष्टि अनेक प्रकार व्याधि संसार रे चली विशेष भाव जदि आम संसार व्यवस्था को देखा तेबे कहा घर को बर्तमान पर बोध हुए बोधे बंद हो जाए पारे किंतु औषध आ बंद हो तार कारण प्रत्येक खाद्य पदार्थ गुड़िक आस्ते आस्ते सब हूँ विषाक्त हो गला आमे जो खाद्य पदार्थ जो फल मूल पनीपरिया संग्रह करी ताको आधार भाव ग्रहण करूचे आउंट शुद्धता ना सबुगुड़ी पयजन हो गला विषाक्त तो रासायनिक पदार्थ द्वारा प्रत्येक पनीपरिया गुड़िक उत्पन्न करा प्रत्येक मुहूर्त ये शरीर को विषाक्त तो प्रवेश कर जड़े व्यक्ति भावुची मु सब ठीक खाऊँ मोर कौन गरिष्ठ खाद्य खाऊनि तेल मसला खाऊना कि रोग यार अर्थ कौन ना प्रत्येक भितर विषाक्त तो पशिगला ता भर आमको बचाक पड़ो तेणु भगवान शरणापन्न विशेष भाव आप देख सर्वप्रथम कथा आधार को संयत करने दरकार कारण आधार भूता जगतस्तमेका आधार नहले संसार के बचपरिए ना ये कलिजुगर से अन्नगत प्राण बोली कहुई एकादशी व्रत आम कर आज है एकादशी दुश वर्ष तलर एकादशी व्रत पांच वर्ष तलर एकादशी व्रत धर्मशास्त्र जहाँ लिखा जा से सबुगुड़िक ठीक किंतु सांप्रतिक अवस्था मध्य ये जो व्रत आम करूचे सांप्रतिक अवस्था को नहीं आमको चलवाक पड़ो वर्तमान आमर शरीर मात्रम खलु धर्म साधनम पूर्व काल रे जल तुलसी सामान्य किए टे ग्रहण करी एकादशी व्रत तीन दिन पर्यंत भक्त माने करू थांती व्रतधारी माने पूर्व दिवस रे एकादशी पाई हविष्य करिवे
निष्ठा काष्ठार सहित रहिबे। पर दिवस रे एकादशी व्रत को निर्जला भाव रे की करंती एवं ता पर दिन पारणा करी एकादशी व्रत भंग होइथाय समापन हुए। वर्तमान रो जो समुदाय समय चली आजिकाली रो दुनिया मध्य रे ए शरीर को लेकिन जो आजिकाली आम धर्म करने को चिंता करूचे ता भीतर सका उठी निहाती होती किसी पा पी तापर खाद्य ग्रहण सामान्य टी कौन करी आपण ठीक ठाक हेले जाकि चली पारे ना आपण गैस हजार दिन सारा गला दिय कर पेला ये हूँ आपण मैंने अनुभव करुवे। दर्शक बंधु कहार तात्पर्य धर्मशास्त्र जहाँ सब लिखाई ताकि ठीक किंतु सदा बेलें लोकाचार को होती आमर कौलाचार लोकाचार वर्तमान अवस्था या कि नीति नियम आमको करने को पड़ो। तेणु सत्य युग जेतेबेले थिला इंद्रदमन महाराज सी स्वर्गलोक को स्वदेह नारद सहित जाते वर्तमान से सी जो पुण्यर बल सी जो पुण्यात्मा से समय पुण्यर होती व्यवस्था से समय खाद्यर व्यवस्था वर्तमान भितर बहुत आकाश पाताल फरक। वर्तमान जड़े स्वदेह सीधा जा स्वर्गलोक पहुँच ये संभव नुह यू आमेरिका जावाक निहाती उड़ाजहाज आवश्यक पड़ू। तेणु वर्तमान व्यवस्था को चाहिए आमको प्रत्येक तीर्थ व्रत भलमंद पड़ तीर्थ करवा को जीवा बोली दुर्गम रास्ता रे जा पड़क जीवन हार ये तीर्थर संज्ञा नुह कारण सर्वप्रथम भगवान प्रदत्त ये जो शरीर ए शरीर मात्रम खलुधर्म साधनम ए शरीर मुक्ति पाइबा पाई आम तीर्थव्रत कर शरीर तो बर्तमान खराब हो चली तीर्थव्रत कौन करवा से आजिकाली व्यवस्था मध्य आम जो एकादशी व्रत भी करवा निहाती यह मोर मध्य व्यक्तिगत मत सदा बेले रहे धर्मशास्त्र को संपूर्ण सम्मान दे महा धर्मशास्त्र गुड़िक संपूर्ण ठीक किंतु सांप्रतिक अवस्था को मध्य आमको ध्यान देवाक पड़ो। तेणु ए शरीर जी ग्रहण करसार आमको खाद्य ग्रहण करने को पड़ो। आपण मान गोटे अभूतपूर्ण दृश्य देखुं भगवान ये दक्षिण द्वार दक्षिण द्वार अन्य ना हूँ अर्थ द्वार घोड़ा द्वार कारण जोड़िए घोड़ा दीपटे अच्छा तेणु घोड़ा अनुसार ना रहा घोड़ा द्वार जो घोड़ा उपर कि कांची विजय करवा समय रे भगवान श्री जगन्नाथ बलराम अभूतपूर्ण स्वरूप ए द्वार देश देखा मिले पवित्र श्री वत्सखंडशाल मंदिर श्री जगन्नाथ महाप्रभु पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र ये क्षेत्र हूँ अनन्य क्षेत्र। हाँ आपण माने देखिबे जिते सब स्थान अच्छी देवस्थान प्रत्येक देवस्थान आपण पहुँचवा पर्यंत आपण लक्ष्य रहिबो पहुँचबी दर्शन करी ये आकांक्षा नहीं अनेक तीर्थव्रत आम एवं से जगार पहुँचीगला पर देवता दर्शन कर जितेबाला कार्य सर जाए से पुणी चिंता करती मुझ स्वदेश को प्रत्यावर्तन कर
किंतु भगवान जगन्नाथ महाप्रभुंकर ए क्षेत्र टी गोटे एभली क्षेत्र ए पुरुषोत्तम क्षेत्र रे प्रत्येक मानव जी आसे दर्शन करिबा पाई ताकु आउ फेरिकी जिया को इच्छा है नहीं, किंतु तार कार्य तार स्थान तार देश से निश्चित तो फेरब ये तो आउ संदेह ना ये किंतु आउ देख इच्छा कैनि आउ चार दिन रही जाती हाँ आज जीवा को अच्छी आउ दु दिन टी महाप्रभु कृपा करते जंजा तो अच्छे जावाक पड़ो तेणु भक्त मैंने बाध्य पारती फरक हूँ या ये क्षेत्र ये हो क्षेत्र पुरुष उत्तम अटई नित्य वृंदावन ये होंगे नित्य वृंदावन क्षेत्र हांडी कुड़िया सब आम रोषशाला को जाऊँगी जाल काठ सहित आपण मैंने देखुं ये हमारे दक्षिण द्वार महाप्रभुंकर विजय मार्ग दक्षिण द्वार रे देई विशेष भाव रे प्रत्येक हांडी कुड़िया भलो मंद श्रीमंदिर भीतर को प्रवेश करिथाय जगन्नाथ महाप्रभुंकर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रे ए जेते गुड़िए रीतिनीति रहिची ता भितरे एबे भी मध्य पतित पावन नारायण को आपण माने दर्शन करुछंती जय जगन्नाथ टीम परदार पवित्र एकादशी तिथि ए एकादशी रो मूल महात्म्य होउछंती प्रत्येक एकादशी रे केवल पाप क्षय होबा पाई ही आमे एकादशी करुछे पूर्वार्जित कर्म रो पाप क्षय होबा पाई मु प्रथम रु पापर जो भाग को आलोचना को नहीं थी से भाग मध्य रे जदि पूर्वर कोड़े भाग आमर होती पाप संचित होकरी जन्म रे भोग करने को आसीचे ए जन्म रे आमे निजर मार्गदर्शन को निजर जीवन परिचर्या को शुद्धभूत भाव रे रखी भगवान को चरणारविंद रे समर्पित हो जदि धर्म किसी संचित करने को इच्छा करवा तेब पूर्व जन्मर पापरु कि क्षय होगले तार से प्रभावटा कमी जाए तेणु सदा सर्वदा भगवान चरणारविंद समर्पित रही निजर कर्म करवा होती धर्मवान पुरुष मानकर कार्य जो माने धर्म को होचंती आश्रय करी जीवन जापन करती तेणु धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहाया धर्मर तत्त्वटी होची निहित एकादशी व्रत सामर्थ्य अनुसार करिबा जहाँ शरीर रे उपवास करिबा पाई शक्ति रहुची ताको ठीक लगुची से उपवास करके व्रत करंतु जहाँ शरीर पाई हाँ फलमूल खाई व्रत करने को इच्छा करचंती से फलमूल खाई इच्छा करंतु किसी असुविधा नहीं आउ अन्यान्य कौनसी शुद्धपूत खाद्य खाई महाप्रभुंकर एकादशी व्रत करने को चिंता करचंती करंतु किंतु मूल उद्देश्य टी आमर ठीक रहू भगवानंकर चरणारविंद रे दिनटी समर्पित हो ए व्रत माध्यम रे आमे बारंबार बारंबार भगवानंकर सानिध्य लाभ करिबा पाई ये उपवास व्रत सब करिथाय तद्वारा कौन हुए जेतेबेले रे ए व्रत करी करी आमे विभिन्न प्रकार व्रत माध्यम रे प्रभुंकर सानिध्य को लाभ करे ताहा आमको जीवनचर्या मध्य रे जेते पसिगला पोरे संपूर्ण होचंती तार पुण्यता आम पुणी भोग करे जद्वारा कि आम जेतेबेले आउ व्रत उपवास किछि कोरि परिवानी सेतेबेले मध्य भगवान आसिक आम पाखरे पहुँचे कारण एबे सामर्थ्य अछि व्रत उपवास करी दर्शन करिवा को जाउचे दर्शन करुचे
मनकर जड़े व्यक्ति प्रत्येक महाप्रभु को दर्शन करने को आसन कले निश्चित पुण्य हम एमती गोटे समय आसवे दर्शन करने को श्रीक्षेत्र श्रीमंदिर को आसपर ना से पुरी रे था कटक था कि वाराणसी था कि होती विदेश सामर्थ्य दरकार ना तेणु सामर्थ्य जो बेलर विहीन होत से व्यक्ति आसी प्रत्यक्ष दर्शन कर किंतु ये दर्शन रालसा दर्शन करदे महाप्रभु को मुझे सानिध्य लाभ करदे जो आत्मसंतोषर भाव कारण सी हूँ मोर ये भाव मनुष्य दर्शन करे ना आउ संसार रे मोर बोली कई ना कहीं ना नशोदर न जनको जननी न जाया नैवात्मजम न चकुलम विपुलम बलम्बाम संदृश्यते न चको किल सहायको मे तस्मात् शरणम मम दीन बंधु न सोदरः सोदर हंतु कुटुंब हुवंतु भल मंद हुवंतु बंधु बांधव हुवंतु बापा माँ समस्ते हुवंतु ये जिते जे सब अच्छा ये परमार्थिक व्यवस्था मध्यरे उद्धार कई करिपरिवे नाही उद्धार हवाक केवल भगवान कृपा भगवान सानिध्य दरकार आउ सब ए संसार व्यवस्था मध्य आपन जहाँपी जहाँ करने कथा कले जिते न करेंगे आप दिधाड़ी शुणे ये सन्देह ना जिते भल कम करते दिन पर्यंत भल कर भल कम कर सब कर संपद अच्छी पैसा अच्छी जहाँ को जहाँ पापार सब कर समस्ते भल कह जिते बड़े आज नदीपर तापर दिन कह लोकटा ठीक नुह तेणु एभली कि से धर्मशास्त्र कई खाली हूँ बाहर नुह घर ठारू आरंभ कर समस्त जिते आपणकर सोदर ठारू परिवार पर्यंत समस्ते से स्वार्थ मध्य तथापि आमको ता भितर चलवाक पड़ो जेहेतु परिवार सहित आमर जो होती व्यवस्था परिवार मध्यरे श्रृंखलित जीवन जापन कर भगवान उपासना जी करती से परिवार टी होती श्रेष्ठ परिवार कहुए परस्पर भाव जही थाए निरंतर आउ वैकुंठ समान अटे एही मोर पुरम देखला बेलू चबीश एकादशी व्रत करुवा बार मस आते जहाँ व्रत रहा सब व्रत उपास सब करुचे किंतु भाव ही ना कह सहित तो कहार भाव ना ठीक सी ताकू देखिले ता मुंड खराब आउ जन कथा सुनिले ता मुंड खराब हो जो भावना मध्य जो मैंने जीवन जापन करती से व्रत उपवास दिपूजार मूल्य किसी ना कहीं ना ये गुड़ाक केवल व्रत उपवास ये सब जिते व्यवस्था रही गोटे श्रृंखलित परिवार पाई सब रही श्रृंखलित परिवार समस्त समस्त मध्य जदि निरंतर भाव रही समस्त गुरुजन को से घरे मानुचंती से घर गोटे स्वतंत्रता थाए तेबे कौन हुए ना जगन्नाथ महाप्रभु से घर को जाती महालक्ष्मी ठाकुरानी से घर को जाती से गृह मानकर आयु वृद्धि हुए से गृहर सदस्य मानकर मंगल हुए अनेक प्रकार कथा आपण माने देखुचंती विभिन्न प्रकार दृश्य मध्य आसुची जने महिला किए प्रभुंकर से परिक्रमा मार्ग रे फूल दुटा धरिचंती हुए तो निश्चित भाव प्रभु आनी कि ना तो हूँ प्रभुंकर फूल नहीं जाए दुईटा कथार जहाँ अनेक प्रकार भक्त से आसती भक्त माने आसी महाप्रभुंकर चरणार बिंदरे समर्पित ही ठाकुरंकर
प्रत्येक मुहूर्त जेहेतु पुरुषोत्तम धाम श्रेष्ठ धाम जगन्नाथ महाप्रभु पावन पवित्र श्रेष्ठ धाम से प्रत्येक भक्त प्रत्येक मुहूर्त चिंता कै महाप्रभु को दर्शन करी ठाकुर सानिध्य लाभ करी किए श्री महाप्रसाद पाईफेर आए प्रभु श्री महाप्रसाद कहले सुखिला महाप्रसाद अच्छी अर्ण महाप्रसाद अच्छी जहाँ को जहाँ जोग आसला सी ताई पुणी प्रत्यावर्तन करती एकादशी व्रत आपण मैंने देखिए अनेक स्थान निर्जला एकादशी फलमूल खाई करती कितु आमर पुरुषोत्तम क्षेत्र में एकादशी व्रत जो मैंने करती एकादशी जगन्नाथ आज महादीप उठ प्रभु रात्र काल में महादीप उठी था प्रत्येक एकादशी अनेक व्यक्ति मैंने महादीप को दर्शन करने अपेक्षा कर महादीप दर्शन कले एकादशी पूर्ण हुए एवं से तारी पर जहाँ हो आधार किसी ग्रहण करती आउ कि व्यक्ति मैंने शरीर को नहीं कारण प्रथम कही शरीर मात्र खलु धर्म साधनम आम शरीर सामर्थ्य अनुसार आम उषा व्रत करवा भगवान जप करने को नाम धरवा को आम आभ पूजा करने को कहीं मना करना किंतु शरीर थिले सर्वपाई ये शरीर थिले ताकू नहीं आम पुण्य कार्य लगेबा एवं पुण्य फल भोग करवा शरीर तो खराब हो जाए पुण्य अर्जन बा करेंगे कौटी भगवान को मुंडिया मारक भी गोड़ चलोनी तेणु सर्वप्रथम है शरीर से श्रीक्षेत्र जो मैंने एकादशी व्रत भी करती से मैंने श्री महाप्रसाद पाई तेणु श्री महाप्रसाद सबुठारु ऊर्धरे सत्यम सत्यम पुनः सत्यम सत्यम एवं सुनिश्चितम भक्त्या ममार्न भुक्त्वा तु सान्निधम मम गच्छति जी श्री महाप्रसाद इत्ते उच्चरे तंकर महात्म्य मो भाया मूर्ख तो केवल हूँ वर्णना करपर कहीं भक्तिया ममार्न भुक्त्वा तु जी एकनिष्ठ तार सहित तो भक्ति सहित तो से अन्न महाप्रसाद हौ से सुखिला महाप्रसाद निर्माल्य हौ से जहा भी हौ भुक्त्वा तु सान्निधम मम गच्छति तांकु भुक्त हले भगवान सानिध्य लाभ करे भक्त सेथिपाई श्रीक्षेत्र प्रत्येक ओषा व्रत भल मंदरे श्री महाप्रसाद को मध्य गुरुत्व दिया जाइछि एभली कि एकादशी व्रत श्री महाप्रसाद ग्रहण कले कौनसी प्रकार दोष ना कारण जहाँ आम व्रत करूचे सी होती स्वरूप किमिति आपण मैंने देखिए आमर विभिन्न प्रकार जागयज्ञ जिते हुए बा कौनसी गृह मानक मांगलिक उत्सव हेले विवाह व्रत ठारु आरंभ करी कर्ण वेद पर्यंत विभिन्न प्रकार जिते प्रकार सब मांगलिक कार्य रही आम जिते सब करे सेते बेले रे देखिए गोटे लड़ू महाप्रसाद स्वतंत्र होचंती आम को नवाक पड़ी थाए एवं से आचार्य जी पूजा करती से मध्य गोटे लड़ू महाप्रसाद लिखि था प्रत्येक प्रकार पूजा पद्धति होती प्रथम रु आग श्री महाप्रसाद टे लिखाई था कारण से आम मांगलिक कार्य सब आरंभ तेणु से लड़ू महाप्रसाद को कौन करा जाए चतुर्धा मूर्ति भाव पूजा करा जाए जहाँ महाप्रसाद को स्वतंत्र देवता भाव पूजा करा जाउची से महाप्रसाद महात्मा आम कौन कह से कहली भक्तिया ममार्न भुक्त्वा तु सान्निधम मम गच्छति जी भक्ति सहकारे निष्ठा सहकारे से हरिवास एकादशी तिथि श्री महाप्रसाद गोटाए कणिका को पाई जाए
महाप्रभु को स्मरण करी तांकर सानिध्य लाभ करे से भक्त एक कथा कह जाय छी। श्री महाप्रसाद श्री मंदिर श्री क्षेत्र यार महात्म्य को आज पर्यंत संपूर्ण भाव कई कही पार ना समस्ते मत प्रकाश करी स्तुति करिछंदी शेष पर्यायर तेणु सर्वक्षेत्र श्रेष्ठ क्षेत्र श्री जगन्नाथ धाम महाप्रभुंकर आज मध्य एकादशी व्रत एतत व्यतीत आज मध्य प्रभु रविवार जेहेतु रक्तवर्णर वस्त्र को परिधान करिछंती आपण माने देखुथिले पतित पावन नारायण आज नाली वस्त्र जी कि रक्तवर्णर खंडुआ को धारण करी सुंदर भाव रे भक्त मान को दर्शन दौंती सिंहद्वार गुमुटरे प्रभुंकर वर्तमान बेश आरंभ हो जाइछि। वस्त्र श्रृंगार परे नाना प्रकार सबू प्रभुंकर जो पुष्प ये पुष्प गुड़िक महाप्रभु मध्य बेश हेबे सेई पुष्प बेश पाई सामंत पूजा पंडा निरंतर भाव रे दृश्य जहाँ सूची से मध्य से बेशरे प्रभुंकर निमग्न अछंती भगवान को बेश अलका ठारू आरंभ करी गुणा झुंपा इत्यादि माल विविध माल सब कारण आम केवल पतित पावन बेशटी देखुचे किंतु श्रीमंदिर भितर मध्य बेश अनुष्ठित हाँ जहाँकि आम कैमेरा से जगह को जापरना से आम से दृश्य को देख पार नए पतित पावन जो आम बेश देखुचे से मध्यम आम जगन्नाथ महाप्रभु सानिध्य लाभ कर जाऊ चतुर्धा मूर्ति श्रीमंदिर गर्भगृह बेश सिंगारी माने बेश कर बार अनुसार प्रभुंकर बेश आज जेहेतु रविवार रक्तवर्णर वस्त्र को महाप्रभु सप्तधा मूर्ति श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन भूदेवी श्रीदेवी माधव समस्ते महाप्रभुंकर दिव्य बेश होइथांती वस्त्र श्रृंगार परे पुष्प श्रृंगार हेबे एवं प्रात कालर गोपाल बल्लभ भोग जहाँ प्रात पूजा प्रथम पूजा होची गोपाल बल्लभ भोग से गोपाल बल्लभ भोग महाप्रभुंकर अनुष्ठित हेबे सेथिपाई श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रे विविध प्रकार लीला लगी पाखरे बैरिकेड आम देखुचे बैरिकेड दे भक्त माने तो कारण इत्ते खरा बढ़ी जाइए आपण माने देखिबे तो देश विदेश भक्त माने आसुचंती समग्र ओडिशा रे मध्य चारियाडे होउचंती रौद्रताप प्रचंड रौद्रताप अनुभूत होउची श्रीक्षेत्र मध्य ता भितरे निश्चित अच्छी तेणु एबे भी मध्य सिंहद्वार आपण माने देखुचंती रौद्रताप बढ़िलाणी सकाळ हेले मध्य विशेष समय न होइकिरि मध्य तथापि रौद्रताप बढ़िलाणी ता भितरे भक्त माने महाप्रभु को दर्शन करिबा पाई भाव भक्तिर सहित किए केते दूररु आसिचंती पर्यंत नाही आज जेहेतु रविवार रविवार रे एबे मध्य प्रबल भिड़ भी होउची कारण जेहेतु रविवार टे छुट्टी दिन रहउची ए छुट्टी दिन पाई जहाँकि श्रीमंदिर रे अनेक भिड़ अनुभूत होउची प्रभुंकर सानिध्य लाभ करिवे भक्त माने महाप्रभु को दर्शन करिबा पाई आमको देखा जाउची प्रत्यारी सेवक मानकर बेत मध्य दिसुची महाप्रभु को दर्शन करिबा पाई भक्त माने भितर को चली चंदी श्रीमंदिर मध्य को गुमुट दे प्रवेश करथिबार दृश्य आसुची अनेक भक्त मध्य दर्शन सारी भी फेरिलेनी
सिंह द्वारे बाजे बेतवाड़ी बाजंते पातक जाए छाड़ी श्रीजगन्नाथों दर्शन निमंते एक को आरेक भिड़ा भिड़ी आहे नीलगिरी तेणु बड़ सुंदर सुंदर सबू पूर्व कालर सूरी माने जो कवि माने साधक माने सबू विभिन्न पंक्ति सबू भगवान लिखिंट जहाँकि स्वतंत्र भाव भाव जाग्रत करे से पंक्ति आवृत्ति कले श्री जगन्नाथ महाप्रभु पवित्र सिंह द्वार रे एबे भी मध्य भक्त मानकर भिड़ लागी अच्छी ए तो व्यतीत आम प्रभुंर उत्तर द्वार मध्य देखुचे पश्चिम द्वार देखुचे जो पश्चिम द्वार वर्तमान ये जो द्वार देखा जाऊँगी हूँ पश्चिम द्वार हाँ पश्चिम द्वार रे मध्य भक्त मानकर भी गहली लगी ठाकुर को दर्शन करिबा पाई भक्त माने पश्चिम द्वार दे किसी प्रवेश भी करुचंती श्री जगन्नाथ महाप्रभु जे इते जानी यात्रा लीला जे पर्यंत नाही जाउ नबई जाचे राज्यम नचकनक माणिक्य विभवम न जाचे हम रम्याम निखिलजन काम्याम बरबधुम सदा काले काले प्रमथ पतिनाम गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जाउ प्रभुंकर सानिध्य लाभ करिबा पाई आपण माने देखुचंती बैरिकेड भितरे सिंहद्वार रे भक्त मानकर जिबा आसीबा लागिची से पाखरे पश्चिम द्वार रे दृश्य मध्ये आमे देखुथिले जाउ ए जो आमर कथा प्रवाहर धारा मोर बाणी को मुझे विश्राम देवी आमर सहयोगी पंडित भजराम शतपथी अनुरोध करी ये प्रात काल धारा कथा मृत को से आगक ने जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय।